तो गाइस वेलकम है आप सभी लोगों का एक नई सीरीज में। ये सीरीज है हमारी माइनक्राफ्ट लॉजिक्स की, जो कि लॉजिक्स की तरह है नहीं। तो ये सीरीज के बहुत सारे पार्ट आएंगे, ये इस सीरीज का पहला पार्ट। इसमें मैं आपको 8 लॉजिक्स बताऊंगा। तो जल्दी से चलते हैं अपन वीडियो की तरफ। लॉजिक नंबर 1, अगर आपको एक आयरन का चेस्ट प्लेट क्राफ्ट करना है तो आपको चाहिए पूरे के पूरे 8 आयरन। अगर जैसे मैं आपको गाइस यहाँ पे क्राफ्ट करके बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे एक आयरन की चेस्ट प्लेट को क्राफ्ट कर लिया, और अगर मैं इसको यहाँ पे स्मेल्ट करता हूँ एक फर्नेस के अंदर, तो आप देखना कि मुझे कितने आयरन के नगेट मिलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि मुझे सिर्फ एक आयरन का नगेट मिला है, एक पूरा आयरन का इंगट भी नहीं दिया इन्होंने, सिर्फ एक नगेट। वाह, क्या लॉजिक है। लॉजिक नंबर 2, गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ट्रिपस्टोन के ऊपर लगा रखा है एक वेट स्पॉन, और उसके ऊपर मैंने रख रखा है लावा। पर वेट स्पॉन के अंदर तो होता है पानी, और अगर मैं इसको अब मैं गौर से अगर देखता रहूँ कुछ देर तक, तो आप देख सकते हो इससे लावा की ड्रॉप निकली है, पर निकलने तो इससे पानी की चाहिए ना, क्योंकि स्पॉन्ज में तो पूरा पानी भरा होता है। आप देख भी सकते हो कि कहीं कहीं से इसे, ये देखो पानी निकल रहा है, ये इसके अंदर पानी होता है। और मैग्मा क्यूब जो कि अधिकतर टाइम तो लावा के पास में ही मिलता है, इस पर अगर आप इसके नीचे ड्रिपस्टोन लगाएंगे, और अगर इसको थोड़ी देर तक आप देखेंगे, आजा भाई। A few moments later. तो गाइस आप देख सकते हो कि इससे वाटर ड्रॉप निकल रही है, बनी टाइम लगता है पर निकलने का, तो आप देख सकते हो ये लावा निकलना चाहिए था इससे, दोनों का ऑपोजिट है। वाह, क्या लॉजिक है। नंबर 3, एक सेकंड, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, शूटिंग चल रही है, भागो। लॉजिक नंबर 3, आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में आपको किसके अंदर गैप दिख रहा है, तो आप देख सकते हो कि डोर के अंदर दिख रहा है, पर अगर आप डोर पे जहाँ पे गैप है वहाँ पे अगर इसे एरो चलाते हो, गाइस मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अरे एक सेकंड, सॉरी गाइस, कनेक्ट होकर गलती से, मैं एक और बार आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने मारा और आप देख सकते हो कि वो डोर के आर पार होना चाहिए था उसको, वो ये मेरे से कलेक्ट हो गया, पर आप देख सकते हो, आपने देख ही लिया होगा कि उसको डोर से आर पार जाना चाहिए था, क्योंकि वो डोर के गैप के वहाँ पे थी, पर वो आर पार नहीं गई। पर जैसे कि आप देख सकते हो, एक साइन बोर्ड जो पूरा भरा हुआ रहता है उसमें कहीं पे गैप नहीं होता, अगर उसके आर पार करते हैं तो वो जो एरो है वो आर पार चली जाती। तुम्हारी, तुमको समझ नहीं आ रहा। तो गाइस आप समझ ही गए होंगे क्या लॉजिक है माइनक्राफ्ट का। एक नंबर 4, आप देख सकते हो दोनों मैंने नीचे दोनों साइड पे एंड्रॉइड लगा रखी है नीचे, पर अगर मैं इधर जो सीधी एंड्रॉइड है उनके ऊपर की अगर मैं एनविल तोड़ता हूँ तो गिरते तो उनको कुछ नहीं होता, पर जो टीडी वाली लगा रखी अगर इनके यहाँ का नीचे का मैं एक तोड़ दूँ तो दोनों ऊपर के ऑटोमेटिक टूट जाते हैं। कुछ भी। लॉजिक नंबर 5, अगर आप वॉल के पीछे जस्ट एकदम यहाँ पे एक स्केलेटन को स्पॉन करेंगे तो जल जाएगा, पर उसको जलना नहीं चाहिए क्योंकि उधर की साइड सन है और यहाँ पे इस सन के और एक स्केलेटन के बीच में तो वॉल है, पर ये जल जाता है। और अगर ऐसे ऊपर छत पे, मतलब इतना ऊंचा मैंने अगर एक ब्लॉक लगा रखा है, और अगर उसके भी नीचे एक मैं स्केलेटन को खड़ा कर दूँ तो वो नहीं जलेगा, क्यों भाई? पर सन तो उधर है ना, डायरेक्ट रेस तो इसके सिर पर आ रही, तो इसको जलना चाहिए, पर नहीं, वो जलेगा। और अगर इसी जगह पे मैं यहाँ पे चेस्ट के नीचे खड़ा कर दूँ तो वो जलने लग जाएगा भाई, क्यों? साले मजाक बना के रखते। रुको 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 गाइस, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपको मतलब वीडियो तो पसंद आ रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और अगर बहुत ज्यादा ही पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे कंटेंट और आते रहेंगे। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट लॉजिक की तरफ। लॉजिक नंबर 6, अगर आप एक आयरन ओर को आयरन की पिकेक्स से टूटते हो तो वो टूट भी जाता है और आपको मिल भी जाता है, पर अगर आप एक गोल्ड ओर को गोल्ड की पिकेक्स से तोड़ते तो टूटता तो है पर आपको मिलता नहीं, क्यों भाई? क्यों माइनक्राफ्ट हमेशा तुम गोल्ड के साथ ही अत्याचार क्यों करते हो? इसलिए गाइस कमेंट में जरूर से आप जस्टिस फॉर गोल्ड लिखना ना भूलें। लॉजिक नंबर 7, अगर आप एक स्टेयर के अंदर पानी और उसके ऊपर अगर एक आप TNT लगाते हो और उसको अगर आप जलाते हो और जब वो फूटेगा तो उस स्टेयर के कुछ भी नहीं होगा, पर अगर ये कि ये चीज़ आप कोल्ड्रोन में रखे हुए पानी के ऊपर लगा के और फिर एक सेकंड गाइस, फिर आप अगर एक TNT को जलाते हो तो जब वो फूटेगा तो उसके साथ साथ नीचे का कोल्ड्रोन भी फूट जाएगा, क्यों? ये पिकेक्स के साथ गोल्ड वाली और इस कोल्ड्रोन के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, तो जस्टिस फॉर पिकेक्स लिखना भी ना भूले और जस्टिस फॉर कोल्ड्रोन लिखना भी ना भूले कमेंट में, और इस वीडियो को लाइक भी कर दो अब जल्दी से। 8, अगर आप कोई टाटा लेक के ऊपर इतने सारे एरो गिरा दोगे तो वो नहीं टूटेंगे, ट्राइडेंट भी गिरा दोगे तो भी नहीं टूटेंगे, आयरन एनविल जो मतलब एनविल जो कि आयरन से बनते इतने सारे, अगर आप एनविल उनके ऊपर गिरा दोगे तो एनविल टूट जाएंगे पर वो नहीं टूटेंगे, पर अगर इसी जगह पे आप उनके ऊपर अगर कूदोगे, बार बार कूदते जाओगे तो टूट जाएंगे। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अपना प्लेयर शक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है।
बैडली बट दिस वीडियो एंड टुडे। मैं मिलता हूँ आपको दूसरे पार्ट्स में या किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितने आप फ्रेंड्स के साथ हो सकता है उतने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय।